हाय हेलो नमस्ते, सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसकेटेड। दिस इज प्रदीप एंड आज का वीडियो में हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी 10 बैंक निफ्टी चार्ट, वो भी 3 टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम एंड 1 आवर चार्ट में। एंड बिफोर हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट दी बेल आइकन, आपको नया वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक एंड शेयर कीजिए, लेट्स स्टार्ट वीडियो। एंड आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी 50 वीकली चार्ट ओपन किया। अभी वीकली चार्ट में एक रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट एक रेजिस्टेंस कर रहे हैं एंड वहाँ से रिजेक्शन होने के बाद भी मार्केट उधर से गिरा नहीं एंड उसके आसपास में एक क्लोजिंग लिया। एग्जैक्टली एक 19,794 पे क्लोजिंग लिया एंड इसका रेजिस्टेंस था 19,870 का। ओके, 870 को रेस्पेक्ट करके मार्केट रिजेक्शन हुआ था एंड मार्केट मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी रिजेक्शन हो चुका है एंड 19,875 पे। एंड इस बार भी हम रिजेक्शन फेस किया उधर से, मगर नीचे लेवल पे एक सपोर्ट आता है, वो सपोर्ट को भी मार्केट अच्छे से एक रेस्पेक्ट करके उसके ऊपर सस्टेन किया। एंड इसमें आप देख सकते हैं हमने 20 EM और 50 EM को यूज़ किया। 20 EM के ऊपर प्रॉपर लाइक सपोर्ट ले रहे मार्केट, आपके सामने बड़ा एक सपोर्ट रहेगा वो 20 EM का। ओके, 20 EM आता है 19,400 पे। ओके, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक के लिए मार्केट बुलिश है वीकली में। उसके ऊपर कहीं भी आपको मिलता है तो 19,400 होगा, 19,450 ए जोन पे कहीं भी मिलता है ना, उधर एक बाइंग होता है एंड उधर से एक बाइंग होके मार्केट ऊपर जा रहे हैं। एंड इस बार भी हम वही एक्सपेक्ट किए थे। अभी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना भी जरूरी है एंड इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग हुआ तो वीकली में आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। फर्स्ट आपके सामने टारगेट रहेगा फॉर 20,000 का 200, ये जैसे ही ब्रेक करेगा आपके सामने रहेगा 20,300, 400 और 500 का ये जोन रहेगा। यहाँ तक भी मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप रेजिस्टेंस लेवल को ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं। ये फर्स्ट टेस्ट था एंड सेकेंड टेस्ट था, ये दोनों को मिला के हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो ये फर्स्ट टेस्ट हो चुका है और फर्स्ट टेस्ट होने के बाद रिजेक्शन हुआ था एंड इस बार भी सेकेंड टेस्ट भी हम इधर तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक भी जा सकते हैं मार्केट। एंड एक मार्केट 50 EM के ऊपर भी प्रॉपर लेक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके एक अपर लेवल पे मूवमेंट किया एंड 20 EM को ब्रेक करके भी इसके ऊपर भी सेशन किया। इसका मतलब हमको दो कन्फर्मेशन मिला, मार्केट प्रॉपरली एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं। ओके, अभी वीकली में तो एक मार्केट एक बुलिश लग रहे मेरे को एंड वेट करेंगे। इफ सपोज मार्केट इधर एक रेड कैंडल बनाए तो वेट कीजिए एक मार्केट रिवर्स करने के लिए या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए। एंड अभी हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। ओके, डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में भी एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है आपको, ये वो आपको वीकली में दिखाई नहीं दे रहा था। एंड एग्जैक्टली मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट करने के बाद इधर से एक मूवमेंट दिखा रहे। ओके, ये ब्रेकआउट हुआ था एंड 20 EM 50 EM के इंटरसेक्ट हुआ है एंड 20 EM इंटर 50 EM को इंटरसेक्ट करके ऊपर गए। एंड इस बार हमने एक्सपेक्ट कर रहे मार्केट एक रिटेस्ट करके ऊपर जा सकते हैं मार्केट एंड आपके सामने सपोर्ट रहेगा ए जोन का। ओके, ए जोन आता है 19,400 का, 350 का एक जोन है एंड यहाँ तक मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 20 EM 50 EM के प्रॉपर सपोर्ट है, यहाँ तक भी हम एक्सपेक्ट करके मार्केट ऊपर जा सकते हैं। इफ सपोर्ट डायरेक्ट ब्रेकआउट दे तो हम एक एंट्री ले सकते हैं एंड मैंने बताया आपको 20,500 तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, मगर मेन इंपॉर्टेंट है 19,787 ब्रेक होना जरूरी है। ओके, डेली टाइम फ्रेम में भी एक बुलिश है मगर रीटेस्ट के लिए वापस आ सकते हैं, रीटेस्ट करने के बाद एक बाइंग पोजीशन हो सकते हैं। 19,400 एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा आपके सामने। एंड अभी हम 1 आवर चार्ट में जाएंगे कि हम 1 आवर चार्ट में अभी देखिए मार्केट 20 EM और 50 EM को प्रॉपरली मार्केट एक रेस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गया। इधर भी देखिए 20 EM को रेस्पेक्ट किया था एंड इधर भी 20 EM को एंड इस बार भी 20 EM के ऊपर मार्केट सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं एंड ऊपर लेवल पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट एक रेस्पेक्ट करके मार्केट रिजेक्शन कर रहे बार बार। ओके, एंड इधर भी सेम डबल टॉप बना के रिजेक्शन हुआ था बड़ा एंड इस बार भी डबल टॉप ही बनाया, ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप बनाया। फर्स्ट टेस्ट था एंड सेकेंड टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट, ये तीनों टेस्ट होने के बाद भी मार्केट एक रिजेक्शन ले रहे हैं एंड 20 EM एक इंपॉर्टेंट मेजर है सपोर्ट लेवल पे एंड 50 EM भी मेजर है। ओके, 50 EM आता है एग्जैक्टली एक 19,750 एंड 700 का एक मेजर 50 EM एंड वहाँ तक भी मार्केट वापस रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। इफ सपोज 50 EM को जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने के मिलता है, अप टू मार्केट रहेगा 19,500 या 19,550 तक भी एक
पॉसिबिलिटी है, यहाँ तक भी हमको देखने की मिलता है मार्केट में। ओके एंड इस साइड में जोन आ रहे हैं ना, नीचे का लो तो टूटना चाहिए एंड ऊपर का हाई तो टूटना चाहिए, ये दोनों में से कौन सा भी टूटता है ना उस डायरेक्शन पे मार्केट मूवमेंट करेगा। एंड ऊपर किया तो एंड एग्जैक्टली फर्स्ट आता है 20,100 150 का एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक भी वापस आ सकते हैं मार्केट, यहाँ तक मूवमेंट करेगा। एंड अभी हम बैंक निफ्टी में जाएंगे, बैंक निफ्टी में मार्केट हमको कहाँ देखने के मिल रहा है। ओके वीकली में देख सकते हैं मार्केट छोटे छोटे एक हाइज बनाते हैं, मार्केट ऊपर जा रहे हैं। एंड इस बार भी मार्केट एक डबल टॉप बना के मार्केट रिजेक्शन हुआ था। एंड एग्जैक्टली अभी ये देखिए वीकली में क्या चल रहा है, वीकली में एक नीचे का एक सपोर्ट था उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट रीटच कर रहे, मेरे को वैसे ही लग रहे प्राइस एक्शन। एंड सेम अभी देखिए एग्जैक्टली एक सपोर्ट था मार्केट इसके ऊपर, डबल टॉप बने, डबल टॉप बने के बाद ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं किया, मार्केट रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके मार्केट एक साइडवेज जोन पे मार्केट पसा रहा है। ओके अभी देखिए इधर क्या हो रहा है मार्केट में, नीचे तो लो किया था मगर वो इधर से भी हमारा एंट्री ले लिया 42,000 तक, मैंने आपको बताया था 43,000 42 तो 43,200 और 43,100 तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में करके लो। एंड इस के में वही हुआ एंड 43,200 250 तक मार्केट लो किया, लो करने के बाद वापस मार्केट रिवर्स ले लिया, इसका मतलब बायस है। ओके नीचे है ना ए लेवल पे मार्केट, वन सेकेंड जस्ट ओके ए लेवल पे ना बायर्स है। ओके एंड ए आता है 50 MA का, ओके 50 MA का एक सपोर्ट होता है, ए लेवल पे बायर्स बैठा है। एंड जैसे ही मार्केट 50 MA को रेस्पेक्ट करता है उधर से बायर्स एंट्री हो रहे हैं, मतलब वो लोग क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, इसके वजह से मार्केट में हमको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में या इस वीक में हमको लो 43,200 तक गिरने के लिए मिला, इसके नीचे नहीं आया मार्केट है। एंड इसके ऊपर ही मतलब 43,000 एंड 43,100 एंड 43,200 ए जोन पे ना बायर्स बैठा हुआ। ओके वो लोग पोजीशन होल्ड करते जा रहे हैं एंड कब कब मार्केट लो दिखते हैं ना उस टाइम पे पोजीशन बढ़ा रहे, इसके वजह से आपको नीचे देखने के लिए नहीं मिला, 50 MA तक भी नहीं है उसके ऊपर ही एग्जैक्टली एक क्लोजिंग ले लिए। एंड वीकली में एक बड़ा ग्रीन कैंडल कंप्लीट होके इसके ऊपर ब्रेक किया तो एंड एक बड़ा मूवमेंट आपको अपर लेवल पे देखने मिलता है, अप टू 46,000 तक भी जा सकते हैं एंड वीकली में। एंड वेट कीजिए एंड ऊपर नीचे लेवल पे आपको सपोर्ट तो मिल रहा है 43,100 का एक सपोर्ट मिल रहा है एंड 50 MA जैसे ही ब्रेक करेगा एंड एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है अप टू वापस हमको 42,000 भी पॉसिबिलिटी है, वेट करना पड़ेगा आपको एक ब्रेकआउट के लिए। डेली टाइम फ्रेम में इसमें भी हमने 50 MA और 20 MA यूज किया एंड इसमें देख सकते हैं 50 MA एंड 20 MA प्रॉपरली काम कर रहे हैं। एंड एक 20 MA मतलब 50 MA को ब्रेक करना जरूरी है, 20 MA के ऊपर सपोर्ट लग रहे हैं एंड 50 MA आसपास में एक आके क्लोजिंग लिए मगर एक प्राइस एक्शन भी बन रहा है। एंड इधर से पहले एक टेस्ट हुआ था, रिजेक्शन लिया एंड इसके बाद में फॉल हुआ एंड मार्केट एग्जैक्टली ऊपर गया एंड ऊपर जाने के बाद सेम ट्रेंड कोई मार्केट रिजेक्शन ले लिया, रिजेक्शन लेने के बाद वापस मार्केट इधर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे। ओके एंड ए सपोर्ट है एंड इसको ऊपर जा रहे, ऑलरेडी एक कंफर्मेशन भी दे दिया। ओके एंड एक कंफर्मेशन दीजिए, मार्केट इधर सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद में नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बने, ऑलमोस्ट एक 4 दिन का कैंडल्स था उसको कवर कर चुका है 2 कैंडल पे, कवर करके मार्केट इसको ब्रेक करने का कोशिश करे। अभी आप इसमें बाइंग भी कर सकते हैं, ओके बाइंग थोड़ा रिस्क रहेगा मगर आपका स्टॉप लॉस भी ज्यादा रहेगा। जैसे मार्केट 43,700 800 को ब्रेक करता है ना एक बाइंग पोजीशन बना दीजिए, ओके बाइंग पोजीशन बना दीजिए मगर इसमें रिस्क रहेगा आपको एंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे आएगा 43,400 पे। ओके 43,000 एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड इसको जैसे ही ब्रेक करेगा आप एंट्री लीजिए एंड इसमें टारगेट रहेगा 44,300 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 300 और 500 का हो सकते हैं एंड यहां तक भी आ सकते हैं मार्केट में एंड मतलब ऑलमोस्ट एक कितना 200 पॉइंट का SL एंड आपको ऑलमोस्ट 500 का टारगेट 50 MA को ब्रेक करना जरूरी है। 50 MA जैसे ही ब्रेक करेगा मूवमेंट करेगा अपर लेवल पे। अभी एक घंटे में जाएंगे 1 आवर चार्ट में एग्जैक्टली मार्केट एक 20 MA और 50 MA को ब्रेक कर चुका है एंड इधर देख सकते हैं एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करने के लिए आ रहे 20 MA एंड 20 MA जैसे ही इंटरसेक्ट करके मूवमेंट करेगा अपर लेवल पे जा सकते हैं एंड ये गैप है ना ये गैप भी कवर कर सकते हैं बैंक निफ्टी या फर्स्ट उसके
सामने रहेगा टारगेट 44,100 और 150 का टारगेट रहेगा। ये जैसे ही ब्रेक करेगा उसके नेक्स्ट टारगेट आएगा 44,400 का, ये भी ब्रेक किया तो फिर मार्केट एक बड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। एंड मैंने बताया आपको प्रोजेक्शन दिखाया था, 1 आवर चार्ट में भी एग्जैक्टली आपको क्लियर कर देता। एंड 1 आवर चार्ट में देखिए एग्जैक्टली एक ट्रेंड लाइन आता है, एक ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड इधर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो आपके सामने रहेगा आपके सामने रहेगा 44,300 और 300 का एक रेजेंस रहेगा। यहाँ तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। एंड नीचे तो एक सपोर्ट करके मार्केट ऊपर गया। एंड ये देखिए ये फर्स्ट ब्रेक हुआ था एंड इसके बाद में मार्केट ये फर्स्ट टेस्ट था एंड इसके बाद में ब्रेकआउट दे दिया। अभी फॉल होना चाहते तो इधर से फॉल कर सकते थे, मगर मार्केट में ये लेवल पर बायर्स बैठा हुआ 43,200 पे। इसके वजह से मार्केट उधर से रिवर्स ले लिया एंड रिवर्स लेने के बाद मार्केट अभी इधर एक रेजेंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रेजेंस है 43,800 का। ये जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकते हैं, यहाँ तक भी जा सकते हैं। ओके एंड ये जोन रहेगा, ये जोन के अंदर कब तक है मार्केट तब तक एक साइडवेज देखने को मिलता है। एंड इधर एक सपोर्ट लेवल भी है 43,500 का एंड ये लेवल जैसे ही टूटेगा 43,200 भी पॉसिबिलिटी है। एक कब तक 43,500 के ऊपर है तब तक मार्केट एक बुलिश है। 43,800 ब्रेक करने के लिए दीजिए, 800 जैसे ही ब्रेक करेगा एक बड़ा मूवमेंट आपको अपर लेवल पे देखने को मिलता है। ये लेवल से रहता है निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी चार्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन, आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।